और मेरी तरफ से सबने राम राम। इस साइड ताऊ जी राम राम। ताऊ भाई राम राम की आवाज मेरा क्यों नहीं आती? इन तो झूठ बोल के बिठा रहा, क्या सपना आओगी? मेरे ते बिनुए कही थी सपना आओगी। सारे ठीक ठाक हो? मैंने कबड्डी के गणे से रूल तो ना बेरा, लेकिन पूरी हरियाणा सरकार, खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, सबको मेरी शुभकामनाएं। इतना बड़ा आयोजन जींद शहर में कराने के लिए, जींद शहर से मेरी पुरानी यादें हैं, मैं यहां पहले काम कर चुका हूं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि इतने बड़े आयोजन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे मटे तालियां का नाम पतनू हो जाए, मेरा काम को नहीं तेरा है। मैंने खेल खेल बड़ी ना प्यारी चीज है, और हरियाणा तो वैसे भी पूरे के पूरे देश में मशहूर है खेल के लिए, तो एक बार अपने हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम एक बार जोर का आवाज आनी चाहिए। मैंने यह बात यो खेल तो इसकी बार मैंने नया देखा, वो अच्छा थोड़ा बहुत वो इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि मेरा उर्लीगंत आवाज भी ना आवे। तो मेरा नाम विश्वास चौहान है, हरियाणा के चरखी दादरी शहर का मैं रहने वाला हूं, और अभी 2017 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो कि अक्षय कुमार जी जज कर रहे थे, तो मैं उस शो का फाइनलिस्ट हूं। बहुत दिनों के बाद अपने बारे में इतनी बातें बताई हैं, तो अब अपन शुरू किलकिना हमारा रोग बता दूंगा। ये जो नाट्य पाछे किलकी मारा रहे वो बाड़े को है करे, जिन्हें बस में नहीं लिखा रह करे कि कृपया खिड़की से हाथ बाहर ना निकाले, यो है वो जो हाथ बाहर का डे करे। तो मैं मुंबई में जाता हूं, मतलब मुंबई में ना हरियाणा के आदमी को लेके ना एक अलग सी इमेज है, लोगों को लगता है कि हरियाणा का आदमी इतने सारे मेडल लेके आता है, स्पोर्ट्स के अंदर इतना अव्वल है, बचपन से ही भयंकर भयंकर खेल खेलता होगा। तो मैंने उनका बहम दूर किया, मगर हमारे बचपन में खेल ऐसे नहीं थे, बचपन में हम कुछ और खेलते थे। मगर जी वो तो हमारे हरियाणा के आदमी बोले हैं, हमारे उरे के छोरा ला के यो भी मन लगा के खेलाएं तो ओलंपिक में चला जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, मैं अपना बचपन देख के अगर याद करूं ना, मेरे को लगता है कि हरियाणा का आदमी अगर कोई भी काम करता है सिर्फ स्वाद लेने के लिए करता है। नहीं आप देख लो, दिवाली तो सबने देखी होगी, दिवाली का त्योहार सबने देखा होगा, बड़े बड़े शहर के अंदर देखो दिवाली पर अलग अलग पटाखे हैं, अलग अलग पटाखे, ये 7 स्टार, ये 6 स्टार, ये 10 स्टार। अपना हरियाणा का बालक एक बम जाने, बस बुलेट बम। मेन तारीफ की चीज है हमारे संस्कार, वो बुलेट बम बजाना की थे। ये मेरे मटे दिवाली वाले दिन नूटो होंगे गोबर गीत पड़ा है, ओह गलती होगी, किसने नई दीवार पेंट कराई हर गोबर कित पड़ा है, तो ऐसी जगह बम लगा दें आग लगी पेंट पेंट वाली दीवार के ऊपर रंगोली और बन जाए। तो मैं मुंबई वाला नु क्या करता, देखो जी मारे हरियाणा के संस्कार इसे है, एक बार कह दे मुंह ते बजाई थी तेरी के समागले पिछला टेंशन होगी है।
तो मैं कहती अपना ईसाई हिसाब किताब है। पूरे इंडिया के अंदर ना एक लाइन मशहूर है, बुरा ना मानो होली है। मैं कहती ये लाइन हमने दिया हरियाणा वालों ने, क्योंकि हम साथ में एक लाइन और बोलते हैं, तू मान के दिखा बुरा, हम तो नुए पानी घेरेंगे, तू मान के दिखा बुरा। मगर जी दशहरे पर रावण मरा होगा, लेकिन जलाने का आइडिया हमारा है, क्योंकि किसी ने फूकण का काम हारते बढ़िया कोई नहीं कर सकता। बाकी ना हरियाणा के आदमी बड़े भोले होते हैं, हरियाणा का आदमी, मैं जितना ट्रेवल किया ना इंडिया के अंदर, हरियाणा का आदमी सबसे भोला होता है। हाँ कोई मानता नहीं वो अलग बात है, हरियाणा का आदमी की चर्चा ही कोई नहीं। और मेरे हिसाब से दुनिया में दो ही कौम सबसे ज्यादा भोली है, ये मेरी आवाज साफ आ रही है, साफ आ रही है आवाज। थोड़ा बेस कम कर दो और शार्पनेस बढ़ा दो, ईगो वीगो आउट कर दो, फ्लो तुड़वा दिया। चलो बिपताऊआ दे बात शुरू करा, फ्लो टूट गया मेरा पिछला। मैं मुंबई गया तो स्टार प्लस के थ्रू, मुझे ये लगता है कि और किसी चीज को दुनिया ने जाना हो ना जाना हो, एक तो हरियाणा का लठ, दूसरे हरियाणा के काड़ू, वो लठ तो सब जानते हैं, काड़ू का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मतलब ना मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से ना मेरे घर वालों ने साजिश की है कि हमारे बेटे को खूबसूरत लड़की ना मिले। छोरा देखो नहीं दिखता हो तो स्क्रीन पर देखो, मेरा नाम काड़ू धर दिया। नहीं एक बात बताओ दिल से, कभी कोई लड़की किसी काड़ू को प्यार करेगी? मैंने तो नू भी नहीं लगता काड़ुआ के ब्याह होंदे होंगे। जो तीसरी चीज मशहूर हुई, जो पहले से मशहूर थी, हरियाणा का नाम लेते ही हरियाणा का ताऊ याद आ जाया करता, आपा ने और ज्यादा मशहूर कर दिया। मैं वहां एक बात करता था कि मतलब स्पोर्ट्स यानी खिलाड़ी आपको ना देश में हर शहर हर गांव में मिलेंगे, लेकिन एक हरियाणा ऐसा स्टेट है, मतलब हरियाणा के बाहर देखो कि युवा के अंदर बहुत करंट है। मैं मानता हूं हरियाणा एक लौता ऐसा स्टेट है जहां के बुड्ढों में भी करंट है। हमारे हरियाणा के बुड्ढे 24 घंटे चार्ज। वो मेरे एक बार की ध्यान आ गई, एक ताऊ के ने एक दो बीघा जमीन बिकी घूमने के लिए दिल्ली चला गया, तो दिल्ली मेट्रो में चढ़ा, एक लड़की आई आके, मेट्रो दिल्ली में एक ट्रेन है, तो ताऊ ना मेट्रो में चढ़ा, एक लड़की सामने से आई, ताऊ के पैर पे पैर रख दिया, बोली सॉरी अंकल जी। ताऊ बोला बेटा सॉरी सारी कुछ नहीं, मैं बराबर का दाबूंगा। मतलब ना हरियाणा का ताऊ ऐसा जवाब दे दे आदमी ने नींद नहीं आ। एक बार एक बंदे ने ताऊ तो पूछ लिया, बोला ताऊ सोए है? बोला बेटा कित सोया तो जद करता थे, तेरी ताई थी तो पड़े आए हूं। मेरे ध्यान आई एक बार नू एक ताऊ बस में बैठा था, खिड़की वाली सीट पे, एक ताई आई बोली रे अटले मने शीशा कान जान दे, ताऊ अब बेटे, तो ताई बोली ताऊ ते बोली अट जा मने शीशा कान नहीं आन दे। ताऊ पड़ती नोला नोला क्यों शीशा का निकाह के डाडी बनाओगी? तो हरियाणा का ताऊ बड़ा ऊत है।
यहां कोई इशारा देने के लिए अगर है तो मुझे बता दे कि मेरे पास कितना समय और है, नहीं मैं शुरू हो जाऊंगा फिर मैं आगे चला जाऊंगा। पांच मिनट और है, घनी बात बता दूंगा, पांच छह मिनट में एंडी बात बता देंगे। वो एक बार मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं आपको, लोगों को लगता है हरियाणा में बचपन में प्यार नहीं होता, मुझे हुआ था जी, लेकिन मेरे को लगता है हरियाणा की दिक्कत छोटी सी है कि हमारे यहां पहलवानी पुलूनी ज्यादा होती है। तो मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ था उसका नाम था जी मुनिया। लेकिन भाई मुनिया ना ऐसी दिखती थी, इसी शक्ल थी मेरी मुनिया की, आसो मत भाई दिल की बहुत बढ़िया थी। तो मेरा नाम था कालू और मेरी मुनिया पहलवानी करती थी। मैं दिल्ली मुंबई देख आया तो जो प्यार मोहब्बत जिनके बीच में होता है तो लोग मिलते कैसे हैं, हाथ मिला लेंगे, गले मिल लेंगे, हाय हेलो कर देंगे। मैं दुनिया का इकलौता ऐसा छोरा हूं जिसकी प्रेमिका उसको देखते ही उससे ऐसे मिलती थी। ये बताओ किसे की मत पड़ेगी गले लागण की। वो फिल्मों में सीन नहीं होता, फिल्म ज्यादा शौकीन हो गए, वो फिल्मों में सीन नहीं होता, हीरो हीरोइन के पीछे से आता है, आगे हीरोइन के कंधे पे हाथ रखता है और हीरोइन ऐसे करती है, आ तो हम दोनों में ऐसे मैं करता था, पूनम के आते ही से थे, मतलब मेरा ऐसा सा सीन था, अगर एक लाइन में बताऊं ना तो पूनम मेरी जिंदगी का अरे तरगाम की तो नहीं थी, चलो यो हा कमरे की, चलो मेरे पास अभी इतना सा ही सेशन था, अगर और सेशन मिला तो और बहुत सारी बातें लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राम राम। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार थालियां। हरियाणा वालों की बात छेड़ी है तो हरियाणा वालों की मैं भी एक बता देता हूं, म्यूजिक कट हरियाणा की बात छेड़ी है तो एक हरियाणा की मैं बता देता हूं, हरियाणा का लड़का प्रपोज भी बड़ी बूंदी डाल कर आया करा है। अगर हरियाणा का लड़का किसी लड़की को जाकर प्रपोज करता है ना, कुछ ऐसे करता है, नुकत तेरी शक्ल है लोकल बस जी सी, मेरा टिकट कटाण ने जी करा है, नुकत तेरी चाल है मेरी भैंस जैसी जंजीर गालण ने दिल करा है। कमाल के होते हैं हरियाणा के लोग, भाई साहब हरियाणा वालों जैसा कोई होता ही नहीं। एक बार जोरदार तालियां हरियाणा वालों के लिए।